नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं खबरें, देखते रहे टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त 4 सदस्य समिति के एक सदस्य ने इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने बताया है कि आज लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, जो कि तीनों किसान कानूनों के विरोध में चल रहे थे। उन किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तीनों कृषि कानूनों के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उनमें शामिल 4 सदस्य तीनों किसी कृषि कानून को सही मान रहे थे। इसे लेकर कमेटी के एक सदस्य मान साहब ने स्वयं कमेटी से इस्तीफा दे दिया है और इससे साफ जाहिर हो गया है कि तीनों कृषि कानून गलत है। इस बाबत और क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। लगभग 2 महीने होने जा रहे किसान आंदोलन जो कि तीनों किसान कानूनों के विरोध में चल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है। खुशी उस दिन भी हुई थी जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी पिटीशन पर स्टे दिया था इन कानूनों पर। उसके बाद कुछ भ्रांतियों के साथ जो कमेटी गठित की गई उसमें सुझाया हम लोगों की तरफ से ये गया था, मैंने कुछ जस्टिस के नाम, रिटायर्ड जस्टिस के नाम सुझाए थे, लेकिन वो नहीं, वो 4 लोगों के नाम दे दिए गए थे। अपने आप 4 लोग आ गए थे, वो किसानों के आंदोलन से संबंधित नहीं थे। और बाद में वो ये भी पता चला कि ये 4 लोग इन कृषि कानूनों के बनवाने से लेके उनकी रिकमेंडेशन से लेकर और इन कानूनों को सही मान रहे थे। और इस संबंध में 4 लोगों में से कुछ एक ने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी भी लिखी, कुछ लोग मिले भी, किसी ने आर्टिकल भी दिया, किसी का आर्टिकल भी अखबारों में छपी, ये सब कुछ सामने आया। भ्रांतियाँ फैली, किसान आंदोलन में उग्रता आई, क्रोध आया। हमसे भी लोगों ने कहा कि ये किस तरह की कमेटी है, कैसे हमारा फैसला करेगी। कमेटी वो होती जो निष्पक्षता की कम से कम नींव पर शुरू हो, धरातल उसका निष्पक्षता हो, ऐसा लगे, ऐसा नहीं लग रहा था। तो उसमें आज सबसे बड़ी खुशी की भी बात है कि 4 कमेटी के सदस्यों में से एक सदस्य मान साहब ने स्वयं इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी अंतरात्मा के आधार पर इस्तीफा दिया है और कहा है हम किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर हो गया है कि तीनों कानून गलत हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि भारत सरकार को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस कमेटी में भी अब इनको जो बचे हुए हैं इनको भी हटाना चाहिए और इनको बदलना चाहिए। और जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो कृषि से संबंधित आंदोलन से जुड़े हुए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान संगठनों के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन में रहे हैं, आंदोलन में रहे हैं, जिनके परिवारों की मौतें हुई हैं, उनमें से लोग लिए जाएं, तो अब उनमें से लिए जाने का अवसर आ गया है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। और यही इन आंदोलन, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है लगातार, सर्दी में, भीषण सर्दी में भी चल रहा है, बारिश में भी चल रहा है, और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा अपना व्यवहार भी दिखाया, दर्द भी दिखाया, दुख भी दिखाया और राहत भी हम लोगों की याचिका पर दी है सुनवाई के बाद। तो अब इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी देखना चाहिए कि इसमें जो कमेटी के और सदस्य हैं उनको या तो वो स्वयं इस्तीफा दे देंगे इसी बात को देखते हुए, मान साहब का अनुसरण करते हुए, और ये देश के लिए अच्छा रहेगा, किसानों के हित के लिए भी अच्छा रहेगा, अंततः किसान तो सब हैं ही ना।